राम राम। आज हमारे किसान साथियों का यह कार्यक्रम है और मेरे किसान साथियों का, मेरे अन्नदाताओं का जयकारा नहीं लगे ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कहूंगा जय जवान, आप कहेंगे जय किसान। जय जवान, जय जवान, जय जवान। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय बाला बच्चन जी, कैबिनेट में हमारे साथियों, मेरे बड़े भाई आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाखलीवाल जी, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष सदाशिव जी, हमारे एमएलए विशाल पटेल जी, मनोज चौधरी जी, कुणाल चौधरी जी और उपस्थित सभी हमारे मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित साथियों, आदरणीय साथियों, इस देश में अगर किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम अगर किसी ने अपने हाथ में लेने का काम किया तो दोनों बार कांग्रेस की सरकार ने किया। पहली बार जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार थी तो पूरे देश के किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का ऐतिहासिक काम जो है हमारी सरकार ने करा। और दूसरी बार उस इतिहास को दोहराने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने किया है। और जिन हालातों में, जिन परिस्थितियों में ये ऋण माफी का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में लागू किया, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको साधुवाद देना चाहता हूं। अपने वचन के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने शपथ ग्रहण करने के मात्र 1 घंटे के अंदर अपने दफ्तर में पहुंच करके किसानों से किए हुए उस वचन को पूरा करने का काम किया और उसको धरातल पर उतारने का काम किया। क्योंकि ये जो ऋण माफी की योजना है, इसका जो दायरा है, इसका जो स्वरूप और आकार है वो बड़ा है, इसीलिए इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का काम आदरणीय साथियों मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। प्रथम चरण में हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के 20 लाख से अधिक किसानों का 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ करने का काम हमारी सरकार ने करा। और पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हमने हमारा दूसरा चरण चालू किया और उस चरण में उन किसान साथियों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है जिनके 50,000 से 1 लाख तक का जिनके ऊपर ऋण है और जिनके चालू खाते हैं आदरणीय साथियों। तो ना सिर्फ किसानों का ऋण माफी का कार्यक्रम आदरणीय साथियों चल रहा है बल्कि किसानों के उत्थान और कल्याण के लिए भी बहुत सारी योजना और कार्यक्रम आदरणीय साथियों माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश में लागू किए जा रहे हैं। चाहे किसान के बिजली बिल अदा करने का काम हो, चाहे किसानों के इस्तेमाल में आने वाले जो कृषि उपकरण है उसकी सब्सिडी को बढ़ाने का काम हो, चाहे वो हमारे किसान साथियों की जो उपज है, उसकी जो फसल है, उसके उचित मूल्य, उसके उचित दाम मिले, उसके लिए विभिन्न योजनाएं लागू करने का काम। मैं बहुत ज्यादा ना कुछ कहते हुए, क्योंकि हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, मैं मध्य प्रदेश के तमाम किसान साथियों की तरफ से, तमाम अन्नदाताओं की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम किसान साथियों को
इस ऋण ये ऋण मुक्ति करके हमारे सर से इस कर्ज का बोझ हटाने का काम आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।